से अब इसमें आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि कोई एक रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ टीचर आपको बताते हैं कि कैटलिस्ट एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। नहीं, ये प्रॉपर सही नहीं है। कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और किसी रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा और वही कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को घटाएगा। नहीं, बढ़ाने वाले अलग होते हैं और घटाने वाले अलग होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन चेंज द, विच कैन चेंज नॉट एक्सीलरेट, which can change the rate, rate is the speed, which can change the speed of chemical reaction। तो कुछ reaction catalyst लगा होता है, उनमें catalyst की वजह से होती है, तो वो भी characteristics में आ सकता है। और catalyst क्या होते हैं, जो किसी reaction की speed को बदल देते हैं, change कर देते हैं, और change का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और change का मतलब घटना भी हो सकता है। ठीक है, type of chemical reactions। अब chemical reaction की type में सबसे पहले आता है number एक, combination reaction, combination रिएक्शन आता होगा अच्छे तरीके से। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ए और बी, एक ये रिएक्टेंट मिलके बना देंगे ए बी, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखू मैं यहां पर, डेफिनेशन लिख देता हूं, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस। ठीक है ना, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट बना दे तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO सॉलिड है, H2O लिक्विड है, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस बन गया, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइन, SLACKED, के आएगा SLAKED, स्लेक्ड लाइन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। ठीक है, तो ये क्विक लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम है। देखो, एक और एक दो रिएक्टेंट जुड़ गए, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। मैंने लिखा MgO, यानी 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड, एक और एक मिलके क्या बन गए, एक साथ जुड़ गए। मैंने लिखा 2H2 गैस है, O2 गैस है, 2H2O क्या बन गया, लिक्विड, एक और एक दोनों मिलके आपस में कंबाइंड हो गए। मैंने लिखा C सॉलिड है, O2 गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, मैंने लिखा NH3 HCl सॉल्ट बन गया, NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, राइटिंग आ रही है समझ में, अमोनियम लिखा है मैंने, ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने लिखा SO2 प्लस O2 SO3 गैस है। तो बात आई यहां तक समझ में, ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सब में कंबाइंड हो रही है, एक बात। दूसरी बात, इनमें सभी में
सभी में हीट रिलीज हो रही है, सभी में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना। बात आई यहां तक समझ में, सभी में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब मैं तुम्हें बता दूं आपको, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी हीट रिलीज। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानने का, ठीक है। एक बात समझो कि जब यहां CaOH का होल ट्वाइस बना है, CaOH का होल ट्वाइस ये बना है, CaOH का होल ट्वाइस, पहले CaO था और H2O अलग था, लेकिन जब दोनों जुड़ गए ये और ये, तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH इसका मतलब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। अगर बॉन्ड नहीं बनते तो ये जुड़ता ही नहीं, ये जुड़ता कैसे, चिपकता कैसे एक दूसरे से। इसका मतलब Mg और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, Mg और O के बीच में MgO ये बन गया, Mg और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, HO केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब C और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब S और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब इनके सबके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। तो हमेशा याद रखना कि जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बस इस बात को याद रखना। देखो ये एक पीस है वुड का, लकड़ी का स्टिक ले लो एक, मैंने आपसे बोला इसको तोड़ो, जब तुम उस वुड को स्टिक को तोड़ोगे तो क्या वो अपने आप टूट जाएगी या तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम तोड़ोगे उसे, एनर्जी दे रहे हो। जब एनर्जी दे रहे हो तुम उसको, या वो वुड का पीस, वो लकड़ी का पीस, वो छड़ी, वो स्टिक एनर्जी गेन कर रही है, तो वो हो गई एंडोथर्मिक। क्या हो गई, एंडोथर्मिक। इसका मतलब जब तोड़ना है किसी को, तोड़ना है मतलब बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, क्या ये बॉन्ड अपना आप टूटा, नहीं, मैंने कुछ एनर्जी दी। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब बॉन्ड टूटेगा एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब जब बॉन्ड बनेगा बॉन्ड जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर आई बात समझ में, यानी जब बॉन्ड टूटे तो एंडोथर्मिक, जब बॉन्ड बने तो एक्सोथर्मिक। बस सिंपल सा फंडा याद रखना कि जब भी नया बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी नया बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज होगी, जब भी बॉन्ड टूटे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, मिटा दें।